अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमद हसन। आप लोग सरमद हसन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और वेदर क्या होगा उसके वाले से बात करेंगे। जमाबुल हक ने एक बड़ा बयान दिया इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप 2024 में मैच खेला गया था उसके वजह से भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप मेरा ये यूट्यूब चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए आने वाले दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आपको कोई सवाल हो दुनिया में कहीं भी कभी भी क्रिकेट से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333 9 5 9 8 2 7 पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान, जिस मैच की हाइप इस वक्त अरूजों पर चल रही है। जी हाँ, अफगानिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को आउट किया इस वर्ल्ड कप से, ऑस्ट्रेलिया को उससे पहले आउट किया, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान की कप्तानी छीनी न्यूजीलैंड को आउट करके, अनबिलीवेबल अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेल लिया। जिस तरह के उनके कप्तान ने अपनी नेशन के साथ सिंसेरिटी शो किया है, जिस तरह से उसने प्यार शो किया है और जिस तरह से अफगानी क्रिकेट लवर्स ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ अपना प्यार मोहब्बत खलूस शेयर किया और जिस तरह का जश्न अफगानिस्तान में मनाया गया, अफगानिस्तान डिजर्व करती थी इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आना। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा जुमेरात को और 27 तारीख होगी। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। साउथ अफ्रीका को एडवांटेज ये है कि उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं हारा इस पूरे वर्ल्ड कप में। जैसे इंडिया अनबीटन चल रहा है वैसे साउथ अफ्रीका भी अनबीटन चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के पास मोमेंटम है, अफगानिस्तान का जो टेम्पो है वो बहुत हाई है, अफगानिस्तान की कप्तान की जो एक इंटेंट है, जो उसकी हंगर है, जो उनकी नेशन में जो उनकी क्रिकेटर में हंगर है कि हमने अपने नेशन के लिए हमने अपने प्राइड के लिए अपने वतन के लिए कुछ करना है, तो अफगानिस्तान आप जिसको कहते हैं ना कि हैरान परेशान ना होइएगा, अफगानिस्तान आपको फाइनल में खेलता हुआ नज़र भी आ सकता है, अफगानिस्तान आपको ये वर्ल्ड कप जीतता हुआ भी नज़र आ सकता है। जिस तरह की अफगानिस्तान की टीम है उसमें गुलबद्दीन नाइब है जिनको आप बेस्ट एक्टर भी कहा जा रहा है, रिजवान से बड़े एक्टर हैं बाय द वे। इसके अलावा इसमें राशिद खान जो कि अपनी गुगली और लेग स्पिनर्स के जादू चला रहे हैं, फिर रहमानुल्लाह गुलबाग पावर हिटर हैं और इब्राहिम जादान अफगानिस्तान की एक बड़ी अच्छी ओपनिंग जो ही अफगानिस्तान की इब्राहिम जादान और रहमानुल्लाह गुलबाग के साथ, फिर नवीन उल हक इनके बड़े अच्छे पेसर हैं, फजल हक फारूक की बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो एक फुल टीम है और बड़ा अच्छा कॉम्बो उनका जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका का देखें तो साउथ अफ्रीका जो का जो मुझे वीक पॉइंट लगा है उनके वीजा हैंड्रिक्स हैं, वो इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पा रहे ज़्यादा, फिर उनके जो और बल्लेबाज हैं ईडन मार्कम उनके कैप्टन हैं वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे इन विकेट्स पे स्पेशली कैरेबियन में, फिर हैंड्रिक क्लासन हैं वो भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। डेविड मिलर और क्वांटन डी कॉक ये साउथ अफ्रीका के एक ऐसे बैटर्स हैं जो कि मैच का नक्शा पलट रहे हैं इस वर्ल्ड कप 2024 में। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की टेल है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबी है, जिसमें मार्को येंसन है, फिर उनके साथ नोकिया हैं, रबादा हैं, महाराज हैं, शमसी हैं। तो अफगानिस्तान अगर टॉस जीत कर बल्लेबाजी करता है कल के मैच में और पहले बल्लेबाजी करता है, टॉस जीतना है राशिद खान को पहले बैटिंग करनी है और सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान को करना ही क्या है। अफगानिस्तान को बोर्ड पर लगाया है 160 या 165 और उसके बाद साउथ अफ्रीका को कहना है कि आइए आप लोग चेज कीजिए और फिर साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाजी है वो आप देखिएगा कि वो एक्सपोज होगी, वो फंसेंगे। हमने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल्स में चौक करते हुए देखा है, चाहे वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल हो, चाहे वो 2014 का सेमीफाइनल हो, चाहे 2015 का अगेंस्ट न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हो, 2019 में भी आपने देखा कि वो चौक करते हैं। तो अफगानिस्तानी जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो चौकस हैं और अफगानिस्तान के पास ये ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये एडवांटेज है कि वो कल के मैच को जीत कर फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। ये मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली तो वो फाइनल में जगह बना सकते हैं। दूसरी जानब इंडिया इंग्लैंड का जो मैच है भाई, उसमें बारिश के इम्कान आते हैं, उस समय बारिश के इम्कान आते हैं और वो मुझे लगा है कि मैच जो है ना वो कहीं भी जा सकता है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने गयाना का जो वेदर है वो देखा है और उसके मुताबिक पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम
रात 8:30 भी बारिश है क्योंकि मैच 7:30 शुरू होने शाम को, कल 8:30 40% रेन है, 9:30 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 60% रेन है और 10:30 70% रेन है। अब ये चांसेस कम होते जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दिन गुजरेगा, और ICC ने इस मैच का स्टैंडर्ड टाइम भी कट ऑफ टाइम भी बढ़ा दिया, जिसका मतलब ये है कि अब इंडिया इंग्लैंड का जो मैच का रिजल्ट है वो आपको 4:00 या 5:00 होते हुए आते हुए नजर आ सकता है। इस मैच में सेमीफाइनल में दोनों सेमीफाइनल में और फाइनल में रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे से बढ़ा दिया है कि अगर एक दिन बारिश हो जाती है तो अगले दिन वहीं से मैच को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन इस दफा ICC ने इस वर्ल्ड कप में रिजर्व डे नहीं रखा और जो टीम अपने ग्रुप पर टॉप करेगी वही फाइनल में जाएगी अगर बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडिया अपने ग्रुप में टॉप कर रही है तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो सिनेरियो नजर आया अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो जाती है और इंडिया इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाती है तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल आपको 29 जून को नजर आ सकता है। लेकिन भाई इंग्लैंड की टीम भी ऐसे ही नहीं आई, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। मैच होगा इंडिया इंग्लैंड का बड़ा तगड़ा मैच होगा। इजमामुल हक ने एक बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था ना उसमें जो स्टीव सिंह है उन्होंने 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा कि अंपायर के साथ उन्होंने बॉल चेंज कर दी। तो भाईजान इजमामुल हक साहब आपसे दरख्वास्त है, आप बहुत बड़े पाकिस्तान के लीडर हैं, 2004 का पाकिस्तान इंग्लैंड का वो टेस्ट मैच आपको याद होगा जिसमें इजमामुल हक साहब जो है वो पाकिस्तान टीम को लेकर कप्तान थे, उस टीम को बाहर आ गए, ये के बाहर आ गए कि जी मैंने नहीं खेलना, और वो क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर बॉल टेम्परिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ा वो टेस्ट मैच। तो इस तरह के बयान आप नहीं देने चाहिए। बाहर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सर्जरी के अब वो जिसको कहते हैं ना इशारे हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं, बाबर आजम साहब लाहौर में लैंड कर चुके हैं और उनकी मीटिंग एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म है पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी के साथ। बड़े बड़े फैसले होने हैं बाबर की कप्तानी को लेकर, जो आपके गैरी क्रिस्टन कोच हैं वो भी अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे, उसके अलावा वहाँ पर आप जो सीनियर मैनेजर हैं आपकी टीम के वो भी अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। बाबर आजम अपनी शिकायतों के पलंदे PCB के चेयरमैन के सामने रखेंगे कि हमारी टीम में यूनिटी क्यों नहीं थी, हम क्यों हारे, हम ये हुआ ये हुआ, देखते हैं कि पाकिस्तान टीम का क्या फ्यूचर होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है, जाकर